भाई रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड भी होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, स्मूथ सरफेस पे होते हैं, पैरेलल रेज आती है उस सरफेस पर और पैरेलल रेज उसी एक किसी एक डायरेक्शन में सारी की सारी चली जाती हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भैया नाम से ही इरेगुलर है, तो वो स्मूथ सरफेस पे तो होगा नहीं, तो वो होता है रफ सरफेस पे। रफ सरफेस की वजह से पैरेलल रेज आती तो है सरफेस पे लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये आपके दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन हुए, रेगुलर और इरेगुलर। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट, इमेज। तो सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज या तो खुद से या तो किसी और की लाइट रेज रिफ्लेक्ट करें, ऐसी चीजों को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज या तो वो खुद से लाइट दे या किसी और की रिफ्लेक्ट करे, उन चीजों को रियल थिंग्स को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो मेरे के सामने रखेंगे हम। अगर आपसे बोला जाए इमेज क्या होती है, तो अभी इन ऑब्जेक्ट में से भी तो लाइट रेज निकल रही है और वो जाती है मिरर की तरह और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, उस ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम इमेज बोलते हैं। तो वी कैन से दैट इमेज इज जस्ट एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। When light is coming from object just reflect from the mirror, तो हमें एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इमेज बोलते हैं। इमेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रियल इमेज और भैया वर्चुअल इमेज। द इमेजेस विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन उनको हम रियल इमेजेस कहेंगे, और द इमेजेस विच कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन उनको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कहाँ देखने को मिलती है, सिनेमा स्क्रीन पे। आपने देखा होगा सिनेमा स्क्रीन से जो बनने वाली इमेज होती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज की बात करनी है तो वर्चुअल इमेज भैया वो इमेज होती है जो कि आपको कहाँ मिलेगी देखने को, जब आप जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हो, प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो, तो योर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है मिरर के सामने, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज की एक और क्वालिटी होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, लेकिन बात करें वर्चुअल की तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होती है, तो हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसकी कोई हाइट ना हो, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट, कुछ हाइट हो। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले मेरे पास वो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज हम प्लेन मिरर में बनाने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है भाई, जिस तरीके से आपको बताया गया था कि कोई रे सीधी अगर आएगी तो भैया वो 90 डिग्री नॉर्मल के हिसाब से लौट के चली जाएगी, पर वर्चुअली वो कहीं ना कहीं मिरर के अंदर जा रही होती है। सिमिलरली मैंने कोई एंगल पे कोई रे इंसिडेंट डाली यहाँ पे और वो वापस से मिरर से क्या हुई है, रिफ्लेक्ट, लेकिन वर्चुअली तो वो कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी, तो वो जहां पे भी मीट करेगी वहीं पे हमारी क्या फॉर्म होगी भाई, इमेज। तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर भैया हमारी इमेज फॉर्म हुई है बाय प्लेन मिरर, कैसे ऑब्जेक्ट के लिए, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए। आपका एंगल आई होगा और ये आपका एंगल आर होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की कोई हाइट हो तब क्या होगा, तो इफ ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट, तो भैया उसके पूरी हाइट निकालने के लिए हमको दो पॉइंट्स का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो इनिशियल पॉइंट और एक उसका फाइनल पॉइंट, मतलब एक बिल्कुल ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला। तो वहीं से समझते हैं, सबसे पहले यहां से अगर मुझे बनानी है इमेज तो किस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सीधी लाइट रे गई है, वो वापस से वैसे ही लौटेगी लेकिन वर्चुअली वो कहीं ना कहीं मिरर के अंदर जा रही होगी। सिमिलरली यहाँ से कोई सीधी रेज जा रही है तो वो वर्चुअली मिरर के अंदर जा रही होगी। सिमिलरली बात करें, ये थोड़ा सा किसी एंगल पे मैंने इंसिडेंट रे डाली तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आई कैन से दैट ये हमारा एंगल आई वन है और ये हमारा एंगल आई टू है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें इस पॉइंट से भी किसी एंगल पे हमें इंसिडेंट डालनी पड़ेगी तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां पर भी नॉर्मल की वजह से दो एंगल बन रहे होंगे आई टू और भाई आर टू। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, ये लाइट रे वर्चुअली कहीं जाके मीट कर रही होगी, तो ये जहां पे भी मीट कर रही होगी वहीं आपकी इमेज बनेगी। सिमिलरली ये भी जाके मीट कर रही है किसी जगह पे,
सो आई कैन से दैट यहाँ पर आपकी क्या बन रही है भाई, इमेज. ये हो गई आपकी ए डैश और भाई बी डैश. तो एक ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ हाइट थी तो उसकी इमेज बना दी. सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज था उसकी इमेज बना दी. तो वी कैन से दैट कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एंड फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट. अब इनसे हमें कुछ क्वालिटीज पता चली है जिनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी पढ़ने वाले हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. भैया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेज की जो प्लेन मिरर से बनती है. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनी हुई है तो वो वर्चुअल बनती है. क्या है भाई? वर्चुअल. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो इरेक्ट होती है. सीधी थी तो इरेक्ट, तो मैंने बोला ही था वर्चुअल इरेक्ट का तो वैसे ही एक दूसरे से कॉन्टेक्ट होता है. क्यों? तो हम कह सकते हैं इमेज वर्चुअल होती है और साथ में इरेक्ट होती है. बात करें उसकी साइज की, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज बनी थी. तो वी कैन से दैट साइज ऑफ इमेज इज क्वाइट सेम एज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्वाइट सेम क्या? बिल्कुल परफेक्टली सेम होता है. बात करूं डिस्टेंस की, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट था मिरर से फ्रंट में उतना ही इमेज बैक साइड में डिस्टेंस पे रहती है. तो मैं कह सकता हूं द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. जो मिरर, जो प्लेन मिरर की इमेज बनी है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. अब ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, चलो जानते हैं लेटरल इन्वर्जन के बारे में. तो आपने कभी मिरर के सामने देखा होगा, तो व्हेन यू, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते होंगे तो इमेज अपना राइट हैंड उठा लेती है ऐसा. और अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा लेती है. तो व्हाट इज दिस? This left-right inversion is called actually lateral inversion. तो हम कह सकते हैं the left side of object appear right side of image, whereas right side of object appear as left side of image. तो इस left-right inversion को ही हम क्या बोलते हैं? Lateral inversion. इस fact का इस्तेमाल तो आजकल आपने देखा होगा ambulance. जो भी ambulance होती है उसके आगे की तरफ जो ambulance word लिखा होता है वो laterally inverted already उल्टा लिखा होता है. क्यों? ताकि वो जब जहां से एम्बुलेंस जा रही हो उसके सामने वाली जो गाड़ी हो जो आगे आ रही है उनके मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा. तो अगर वो लेटर लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देंगे तो वो उनको सीधे दिखाई देंगे. तो इस हिसाब से वो लेटरल इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं कि उन लेटरों को उल्टा लिखा होता है पहले से ही, साइड वाइज उल्टा लिखा होता है, जिससे कि जब भी वो मिरर में दिखाई देंगे तो वो सीधा दिखाई देते हैं और आगे वाली गाड़ी उनको साइड दे देगी. इट्स अ फैक्ट कि भैया लेटरल इन्वर्जन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है. अभी पढ़ते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के बताएं तो भाई अपने घर में ही सबसे पहले यूज होता है. हम पूरे टाइम शीशे में देखते रहते हैं तो मिरर में अपने आप को देखने में जो इमेज फॉर्म होती है ये भी तो प्लेन मिरर की ही है. तो भैया कह सकते हैं अपने आप को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बाथरूम में इसका इस्तेमाल होता है, ड्रेसिंग टेबल पे प्लेन मिरर होता है, और कई इंस्ट्रूमेंट है, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप या छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोप होती है उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है. और आई कैन से दैट आपने देखा होगा कुछ बिजी रोड्स होते हैं उनके ब्लाइंड डोर्स पे इसका इस्तेमाल होता है. और कह सकते हैं ज्वेलरी शॉप चीजों को बड़ा दिखाने के लिए, दुकान को बड़ा दिखाने के लिए काफी जगह प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं. स्पेस थोड़ा सा ज्यादा दिखता है ऐसा लगता है हमें.